ये भी मैं राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे 7 मार्च को जो हो रहा है? ये 7 मार्च में जो कन्वोकेशन हो रहा है, ये हमें नहीं लगता कि एमयू के लिए रखा गया है। इसमें 7 तारीख में जो बीजेपी के नेता हैं राजवीर सिंह राजू, उनकी बेटी की शादी है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इसकी डेट और इसकी डेट जानबूझ के रखी गई है। यहाँ माहौल ख़राब कराने की कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रपति का जो चेहरा है, हम राष्ट्रपति की इज्जत करते हैं, राष्ट्रपति का चेहरा है वो संघी चेहरा है, तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे कैंपस में किसी भी कीमत पे। और जो उनके साथ जो प्रोटोकॉल होगा, उसके बाद ही लोकल जो नेता आएंगे उनको भी कैंपस में किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी अल्पसंख्यक को लेकर राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही टिप्पणी करी थी बहुत बेकार, जो कि मुसलमानों में उसको लेकर आक्रोश है। तो इसलिए हम इनको कैंपस में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वोकेशन में इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। इनको इन्वाइट जो किया जा रहा है, राजवीर सिंह राजू की बेटी की शादी में इन्वाइट किया जा रहा है, उसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर डेट इस तरीके की रखी है कि यहाँ पर क्लैश हो। विरोध अगर उनके साथ कोई आया तो और किस 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 तरह का कर सकते हैं यहाँ पर विरोध? देखिए, हमने कुछ गधों से बात करी है, गधे वालों से, तो उस गधे को बुलाकर गधे वालों को भगवा कलर से, उस भगवा कलर के झंडे जो होंगे उसका हम गधे के कपड़े बना के खड़े रहेंगे। जो भी कोई बीजेपी का पुष्पैया नेता उनके साथ आएगा, हम उस गधे पर बिठा के उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वाइस चांसलर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वाइस चांसलर ने इन्हें इनवाइट किया है वो गलत है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है विजिटर भी हैं हमारे यहाँ के, तो हो सकता है वाइस चांसलर साहब ने उन्हें, उनका हक भी बनता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमयू के अंदर आएँ, क्यों विजिटर हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर होने के साथ साथ आरएसएस के भी एजेंट हैं, और हो सकता है इसमें इनका हमारे शेखुल जामिया साहब का कोई फ़ायदा हो, साहब अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो। तो हम जो है ये हम बता देना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वाइस चांसलर आए और बहुत सारे वाइस चांसलर चले गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बनी है, ना कि किसी पर्सनल राजनीति के लिए या अपना फ्यूचर देखने के लिए। तो जामे साहब की कई दिनों से एक पॉलिसी चल रही है कि ये एमयू को भगवाकरण करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी सियासत ये है कि ये फ्यूचर में अपना मुस्तकबिल को देख रहे हैं कि हम इस मुल्क के गवर्नर बनेंगे, तो इनकी ये सोच जो है, गवर्नर तो दूर की बात है, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले नहीं, काबिल भी नहीं छोड़ेंगे, गवर्नर वो बने चपरासी भी बन पाएँ। और दूसरी बात यह है कि जब वो हमारे सदर साहब जो हमारे यूनिवर्सिटी में आएंगे, जाहिर सी बात वो हमारे विजिटर, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल फेस आएंगे जिनके दिलों में जिनके लिए आक्रोश है। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे बीजेपी के नेता हमारे उसमें आए और जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। और शेखुल जामिया साहब हमारे ऐसे ही लोग को इन्वाइट कर रहे हैं जिससे यहाँ की पढ़ाई के माहौल एकदम बिगड़ रहा है, और ये पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे इसका अपोज कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के साथ अगर कोई भगवा आता है तो बिल्कुल हम उसका एकदम अपोज करेंगे, उसको यूनिवर्सिटी के अंदर आने नहीं देंगे राष्ट्रपति साहब के साथ, अगर कोई बाहर के लोग आते हैं। अच्छा, सेम डे जो है शादी भी है, क्या शादी में ही आ रहे हैं या उसी को लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं यही कहा जा, इससे कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि वो शादी में आ रहे हैं और उन्हें एक हमारे शेखुल जामिया साहब की एक सियासत है उन्हें यहाँ पर बुलाने की। अगर वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बुलाते तो एक अलग बात रहती, लेकिन वो शादी में आ रहे हैं, शादी में यहाँ पर आने से एक कंट्रोवर्सी एमयू में पैदा होगी जिससे बहुत सारे लोग आएंगे एमयू में बीजेपी के, और जो यहाँ पर अपोज जिसका किया जाएगा। एएमयू में 7 मार्च को दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, उसमें राष्ट्रपति आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, हम मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक रामनाथ कोविंद जिन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई बाहर के लोग हैं, दे आर एलियंस टू द इंडिया, तो हमारा उनसे ये कहना है कि अगर हम एलियन हैं, हम बाहर के लोग हैं, जबकि हम मूल निवासी हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले लोग, और हमें बाहर के लोग कहने वाले शख्स को अगर आप इनवाइट करते हैं, और उसके बाद उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के काफ़ी सारे लोग प्रोटोकॉल में भी आएंगे, हम हमेशा से आरएसएस की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, और आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग अगर कैंपस में इन्वाइट किए जाएंगे तो हम उसके खिलाफ़ रहेंगे, और हम इसके खिलाफ़ हैं कि उनको इन्वाइट किया जा रहा है। क्या मानते हैं राष्ट्रपति अगर इसमें आएंगे या उनके साथ जो भगवा या संघ के लोग आएंगे, क्या माहौल बिगड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर सिर्फ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं तो हो सकता है कि माहौल ना बिगड़े, लेकिन अगर उनके साथ भगवाधारी जो लोग हैं वो आएंगे साथ में अगर आते हैं तो ज़रूरी है, बहुत 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि कैंपस का माहौल ख़राब होगा, इसको कम्युनल रंग दिया जाएगा। क्या नाम आपका? इमरान खान। थैंक यू।